केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 2024 से 25 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अनुमोदन दिया है 2018 के केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई थी कि किसानों को लागत मूल्य का कम से कम डेढ़ गुना एमएसपी के रूप में दिया जाएगा कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेज ने इसी आधार पर अपनी सिफारिशें की हैं दस फसलों की एमएसपी उनके औसत उत्पादन लागत से डेढ़ गुना है और चार फसलों की उससे भी अधिक है धान की एमएसपी 2,300 प्रति क्विंटल होगी जो पिछले सीजन की तुलना में एक सौ अधिक है खरीफ सीजन की फ़सलों के लिए एमएसपी पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फ़ैसले पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा आज के फ़ैसले से किसानों को एमएसपी के रूप में करीब दो लाख करोड़ रुपए मिलेंगे यह पिछले सीजन से पैंतीस हज़ार करोड़ रुपए अधिक है अश्विनी वैष्णव ने कहा पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसानों के कल्याण के लिए कई फ़ैसलों के माध्यम से बदलाव के साथ निरंतरता पर केंद्रित है मंत्रिमंडल ने धान रागी बाजरा ज्वार मक्का और कपास सहित चौदह खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को मंजूरी दी है सरकार की क्या है घोषणा तूर की एमएसपी सात हजार पांच सौ पचास रुपये प्रति क्विंटल होगी जो पिछले साल की तुलना में पांच सौ पचास रुपये अधिक है उरद की एमएसपी सात हजार चार सौ रुपये प्रति क्विंटल होगी जो पिछले सीजन की तुलना में चार सौ पचास रुपये अधिक है मूंग की एमएसपी आठ हजार छह सौ बयासी रुपये प्रति क्विंटल होगी जो पिछले सीजन की तुलना में एक सौ चौबीस रुपये अधिक है मूंगफली की एमएसपी छह हजार सात सौ तिरासी रुपये प्रति क्विंटल होगी जो पिछले सीजन की तुलना में चार सौ छह रुपये अधिक है कपास की एमएसपी सात हजार एक सौ इक्कीस रुपये अधिक होगी जो पिछले सीजन की तुलना में पांच सौ एक रुपये अधिक है ज्वार की एमएसपी तीन हजार तीन सौ इकहत्तर रुपये प्रति क्विंटल होगी जो पिछले साल की तुलना में एक सौ इक्यानवे रुपये अधिक है बाजरा की एमएसपी दो हज़ार रुपये प्रति क्विंटल होगी जो पिछले सीजन की तुलना में एक सौ रुपये अधिक है और मक्का की एमएसपी दो हज़ार रुपये प्रति क्विंटल होगी जो पिछले सीजन की तुलना में एक सौ रुपये अधिक है अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एमएसपी पर धान और अन्य मोटे अनाजों की सरकारी खरीद एफसीआई और राज्यों की एजेंसियों द्वारा की जाएगी दलहन और तिलहन की खरीद नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोटियम के द्वारा की जाएगी कपास की खरीद कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा की जाएगी खरीद में अगर एजेंसियों को कोई नुकसान होता है तो सरकार उसकी भरपाई करेगी अश्विनी वैष्णव ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज मार्केटिंग सीजन 2024 से 25 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ़ फ़सलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी सरकार ने मार्केटिंग सीजन 2024 से 25 के लिए खरीफ़ फ़सलों के एमएसपी में वृद्धि की है ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि तिलहन और दलहन के लिए की गई है जैसे नाइजर सीड नौ सौ तिरासी रुपये प्रति क्विंटल उसके बाद तिल छह सौ बत्तीस रुपये प्रति क्विंटल और तुअर अरहर पाँच सौ पचास रुपये प्रति क्विंटल हाल के वर्षों में सरकार इन फसलों के लिए उच्च एमएसपी की पेशकश करके अनाज के अलावा अन्य फ़सलों जैसे दालों और तिलहन और पोषक अनाज श्री अन्न की खेती को बढ़ावा दे रही है खरीफ मार्केटिंग सीजन के अंतर्गत आने वाली चौदह फसलों के लिए दो शून्य शून्य तीन शून्य चार से दो हज़ार तेरह से चौदह की अवधि के दौरान बाजरा के लिए एमएसपी में न्यूनतम निरपेक्ष वृद्धि सात सौ पैंतालीस रुपये प्रति क्विंटल और मूंग के लिए अधिकतम निरपेक्ष वृद्धि तीन हजार एक सौ तीस रुपये प्रति क्विंटल थी जबकि 2013 से 14 से 2023 से 24 की अवधि के दौरान मक्का के लिए एमएसपी में न्यूनतम निरपेक्ष वृद्धि सात सौ प्रति क्विंटल और नाइज़र सीड के लिए अधिकतम निरपेक्ष वृद्धि चार हज़ार प्रति क्विंटल थी वर्ष दो शून्य शून्य चार शून्य पाँच से दो हज़ार तेरह से चौदह की अवधि के दौरान खरीफ मार्केटिंग सीजन के अंतर्गत शामिल चौदह फसलों की खरीद चार हज़ार छह सौ पचहत्तर दशमलव नौ आठ लाख मीट्रिक टन एलएमटी थी जबकि वर्ष 2014 से 15 से 2023 से 24 की अवधि के दौरान इन फसलों की खरीद 7,108.65 एलएमटी थी खरीफ सीजन के लिए 14 फसलों पर एमएसपी की घोषणा की गई है हर फसल पर उसकी लागत की तुलना में कम से कम 50 परसेंट अधिक एमएसपी होगी धान का नया एमएसपी दो हजार कपास का नया एमएसपी सात हजार एक सौ इक्कीस रुपये कपास की दूसरी किस्म पर सात हजार पांच सौ इक्कीस रुपए, बाजरा ज्वार का नया एमएसपी तीन हजार तीन सौ पचहत्तर रुपए, रागी का नया एमएसपी चार हजार दो सौ नब्बे रुपए, मक्का का नया एमएसपी दो हजार दो सौ पच्चीस रुपए, मूंग दाल का एमएसपी आठ हजार छह सौ बयासी रुपए, अरहर दाल का एमएसपी सात हजार पांच सौ पचास रुपये उड़द दाल का एमएसपी सात हजार चार सौ रुपये मूँगफली तेल का नया एमएसपी छह हजार सात सौ तिरासी रुपये रामतिल्ली का नया एमएसपी आठ हजार सात सौ सत्रह सूरजमुखी का नया एमएसपी सात हजार दो सौ तीस तय किया गया है ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी